हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टैलेंटेड क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लोग आज 1.3 देखेंगे। 1.3 हमारे पास टोटल क्वेश्चन 9 है। ओके, तो हम लोग 9 क्वेश्चन है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट पार्ट में आपको आएंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, तो पार्ट फर्स्ट का हम लोग देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ये फिगर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी एंड उसी में एक और ट्रायंगल दिया हुआ है डी सी ई। ओके, तो हम लोग को ये देखना है इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। इन फिगर 1.55 मीन्स दिस वन फिगर, ये फिगर में एंगल एबीसी, एबीसी मींस ये वाला एंगल कितना दिया 75 डिग्री एंड नेक्स्ट एंगल ईडीसी, एंगल ईडीसी मींस दिस वन एंगल कितना दिया हुआ है 75। स्टेट व्हिच टू ट्रायंगल आर सिमिलर एंड बाय व्हिच टेस्ट, मींस इसमें आपको ये प्रूफ करना है कौन सा दो ट्रायंगल है जो सिमिलर है और कौन से टेस्ट से सिमिलर हो रहे। Also write the similarity of these two triangle by a proper one-to-one correspondence. Means one-to-one correspondence में इसका similarity लिखना है। तो one-to-one correspondence में कैसे हम लोग लिखते हैं? अभी जैसे suppose दो triangle रहते हैं, तो हम लोग को जैसे जो ये suppose angle A जो vertex है इसका, तो नेक्स्ट जो सिमिलर हो रहा है उसका सेम टू सेम करस्पोंडेंस में आना चाहिए, उसका आप लोग को लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभी क्या करना है। हम लोग को सबसे पहला चेक करना है दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगल बी सी ए, एक ट्रायंगल हम लोग लेते हैं बी सी ए एंड नेक्स्ट हम लोग लेते हैं डी सी ई। ओके, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल बी सी ए एंड ट्रायंगल डी सी ई। ओके, अभी ये दो ट्रायंगल हमने लिया, अभी ये दो ट्रायंगल को हम लोग को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है और ये भी बताना है कौन सा टेस्ट। ओके, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ईडीसी, व्हाई इट 75 डिग्री, मीन्स दोनों का वैल्यू सेम है 75 75, इसके लिए ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आप लोगों को कुछ दिख रहा है क्या, ये दोनों में आ रहे हैं? यस, आपका जो ट्रायंगल डी सी ई है इसके बाद बी सी ए है, ये दोनों में आपको ये दिख रहे हैं? यस, दोनों में आ रहे हैं, तो ये क्या हो गए कॉमन एंगल हो गए। मीन्स यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी ई, यहां पे रीजन क्या लिखना रहेगा कॉमन एंगल। यस, अभी देखिए हम लोग यहां पे देखे थे टेस्ट कौन कौन से टेस्ट थे, ट्रिपल ए टेस्ट था, डबल ए टेस्ट, एस ए एस टेस्ट एंड ट्रिपल एस टेस्ट। तो हम लोग को यहाँ पे दो एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ट्रायंगल बी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी ई। यस, बाय व्हिच टेस्ट, डबल ए टेस्ट। ओके, हेंस प्रूफ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना था और सिमिलर प्रूफ कर दिए। ओके, आप लोग को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप लोग यहाँ पे फिगर देख सकते हैं,
इसमें क्या दिया हुआ है, आर द ट्रायंगल इन फिगर 1.56, मींस 1.56 में आपको दो फिगर दिए हुए, एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है एंड नेक्स्ट ट्रायंगल एल एम एन। ओके, तो हम लोग को क्या देखना है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है या नहीं। इफ यस, अगर है देन बाय विच टेस्ट, मींस कौन से टेस्ट से सिमिलर है ये। तो हम लोग यहां पे देखते हैं, सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग को कुछ प्रोसेस दिए गए हैं, वो प्रोसेस हम लोग चेक करते हैं कि प्रोसेस फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे। यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू दी हुए है, पीक्यू का वैल्यू 6 दिया हुआ है, क्यूआर का वैल्यू 8 दिया है एंड पीआर का वैल्यू 10 दिए हुए, एल एम की वैल्यू 3, एम एन की वैल्यू 4 एंड एल एन की वैल्यू 5। तो हम लोग साइड का वैल्यू दिया हुआ है, तो साइड के ऊपर इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं हम लोग। रिसर्च मतलब हम लोग को चेक करना है कि साइड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रही है क्या। ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग, हमने सीखा था इससे पहले में कि हम लोग अगर अपॉन में लेते और तीनों अगर रेशियो जो रहता है वो सेम आया, मींस क्या है, हमारा एक ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। जैसे सपोज हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं पी क्यू, पी क्यू एंड नेक्स्ट लेते एल एम इक्वल टू, पी क्यू का वैल्यू क्या है 6 अपॉन एल एम, एल एम की वैल्यू 3, 3 1 जा 3 2 जा, मीन्स यहां क्या आ जाएगा वैल्यू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर की वैल्यू क्या है 8 एंड एम एन की वैल्यू क्या है 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी 2 आया। अभी आपको क्या लगता है, तीसरा 2 आएगा क्या, तीसरा जो रेशियो है 2 तो आ गया, यस। नेक्स्ट क्या है, पी आर अपॉन एल एन, पी आर की वैल्यू क्या है 10 एंड एल एन की वैल्यू 5, 5 1 जा 5 2 जा, मीन्स ये भी वैल्यू 2 आ गई। मीन्स तीनों रेशियो का वैल्यू हम लोग का क्या आया 2 2 आया, मीन्स तीनों रेशियो का वैल्यू क्या आया, सेम आया, इक्वल आया। जब तीनों रेशियो का वैल्यू सेम आया तो आपका ये क्या हो जाएगा, मीन्स यहां पे हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन एल एम इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 2 लिख सकते हैं इसका वैल्यू, अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, जस्ट हम लोग को ये शो करना है ये तीनों रेशो क्या है, इक्वल है। कहां से, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये तीनों रेशो के हिसाब से हम लोग को ये सेम आया, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते क्या, ट्रायंगल पी क्यू आर इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन, यस, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए बाय विच टेस्ट, यस एस 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 टेस्ट, मीन्स ट्रिपल एस टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर प्रूफ हो गया। ओके, ठीक है, नोट डाउन कर रहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, एज शोन इन द फिगर 1.57, मींस ये फिगर दिया हुआ है, इसमें टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, मींस एक पोल है 4 मीटर एंड दूसरा पोल क्या है 8 मीटर का है, फिर वो क्या कर रहे हैं, दोनों परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, मींस ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, मींस राइट एंगल रहेगा ये। ओके, राइट एंगल होने के बाद इसका नेक्स्ट क्या, इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, मींस जो ये स्मॉलर पोल है ना, ये 4 है तो ऑलरेडी ऑब्वियसली छोटा ही रहेगा, तो ये छोटे वाले पोल का क्या बोला है,
सनलाइट आते हैं तो देखो शेडो बनता है, हम लोग भी जब रास्ते में चलते हैं तो हमारे हमारे पीछे भी शेडो बन जाता है, तो हम लोग बोलते हैं देखो हम किसी आदमी के साथ हमारे साथ में लेके चल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं रहता, वो शेडो रहते हैं। तो उसी तरह ये छोटे फूल का जो शेडो बन रहा है सनलाइट की वजह से वो कितना है 6 मीटर का। देन हाउ लॉन्ग विल बी द शेडो ऑफ बिगर फूल एट द सेम टाइम, मीन्स जो टाइम में ये शेडो बन रहा है 6 मीटर का, उसी टाइम में आपको ये बिगर फोन का शेडो कितना बन रहा है ये फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, पी आर एंड एसी आर टू पोल्स, दो पोल है और इसका शेडो क्यू आर एंड BC are shadow respectively, ये आप लोग को यहां पे PR और AC क्या दिया है, दो पोल दिया हुआ है, ये PR और ये AC, ये दोनों पोल दिए हुए हैं। इसके बाद क्या बोला है, QR, QR क्या है, शेडो है, QR and BC are shadow respectively, means ये जो पोल है पोल का शेडो है respectively, respectively word आप लोग बहुत जगह सुने होंगे, actual में respectively का meaning क्या रहता है, जैसे यहाँ पे PR पहला दिया है तो next value में first वाला PR से relate करेगा, तो PR से relate means अगर PR पोल है तो उसका शेडो क्या रहेगा QR, next AC पोल है तो उसका शेडो क्या रहेगा BC, ओके तो ये हो गया, इसका मतलब रहता है रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मेन मीनिंग वही रहता है, जो फर्स्ट मतलब उसके लिए फर्स्ट वैल्यू आएगा, जो सेकंड मतलब उसके लिए सेकंड वैल्यू आएगा, ओके तो अभी हम लोग देख रहे हैं शैडो क्या हो रहा है, एक ही टाइम पे कास्ट हो रहा है दोनों पे, ऐसा नहीं है कि एक को बोला है सुबह में रहेगा एक को दोपहर में रहेगा, दोनों का एक ही टाइम है, तो द शैडो कास्ट एट द सेम टाइम शेडो क्या हो रहा है, एक ही टाइम पे दोनों जगह आ रहा है, तो शेडो एक टाइम पे आ रहा है तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा आपका ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेगा, मीन्स ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, ओके दोनों एक ही टाइम पे शेडो कास्ट हो रहे हैं इसके लिए ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ रहेगा, और सिमिलर है ये तो हम लोग को क्या चाहिए, ये दोनों का रेशो चाहिए, यस ये दोनों का रेशो हम लोग को क्या क्या चाहिए, एक पीआर दिया हुआ है तो पीआर अपॉन अपॉन में क्या आ जाएगा, पीआर का करस्पॉन्डेंस में क्या है एसी इक्वल टू इसका नेक्स्ट क्या चाहिए क्यूआर, तो क्यूआर क्यूआर के करस्पॉन्डेंस में क्या है बीसी, ओके तो ये रेशियो लिया हमने, अभी हमको क्या करना है वैल्यू पुट करके सॉल्व करना, पीआर का वैल्यू क्या है 4 अपॉन क्यू एसी का वैल्यू क्या है 8 इक्वल टू क्यूआर की वैल्यू 6 एंड बीसी की वैल्यू कुछ नहीं मीन्स एक्स है, अभी यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, तो इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यस 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा 48, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो 4 और x के बीच में रिलेशन क्या रहता है मल्टीप्लाई, तो 4 ये सेट जाएगा तो डिवाइड मीन्स x इक्वल टू 48 अपॉन 4, तो 4 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 मींस x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, x की वैल्यू क्या आएगी 12 मींस आपका क्या है द शैडो कास्ट बाय द बिगर पोल इज 12 मीटर लॉन्ग, ओके यहां पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, क्या दिया था द शैडो
कास्ट बाय बिगर पोल इज 12 मीटर लॉन्ग। ओके, यही दिए हुए थे आपको फाइंड आउट करने के लिए। ये हमारा फाइंड आउट हो गया, आप लोग को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। इन ट्रायंगल एबीसी, कौन सा ए वाला ट्रायंगल एबीसी, इसमें क्या दिया हुआ है। एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एपी मींस दिस वन लाइन, एपी ए वाला लाइन क्या हो रहा है बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी क्यू मीन्स ए वाला लाइन कहा है ए सी पे परपेंडिकुलर है। देन उसके बाद क्या बोला गया है देखिए, बी पी सी, बी पी सी मीन्स ये तीनों एक लाइन में रहेंगे, कॉलिनियर पॉइंट हो जाएंगे ये तीनों। इसका नेक्स्ट ए क्यू सी, ए क्यू सी ये तीनों एक लाइन में रहेंगे। देन प्रूव दैट ट्रायंगल सी पी ए, सी पी ए, सी पी ए मीन्स दिस वन ट्रायंगल, सी पी ए। एंड नेक्स्ट ट्रायंगल सी क्यू बी, सी क्यू बी ए वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, यस सिमिलर प्रूफ करना है। और कुछ दिया हुआ है इसमें आगे देखिए, इफ एपी सेवन, एपी कितना है सेवन, एपी की वैल्यू सेवन है, बी क्यू, बी क्यू की वैल्यू एट है, बी सी की वैल्यू ट्वेल्व है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है एसी की वैल्यू। ओके, तो हम लोग चलते हैं सॉल्व की तरफ, देखते हैं क्या है। तो हमारा सोल्यूशन क्या है यहाँ पे, आप लोग देखिए सबसे पहला वो ट्रायंगल जो प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से ट्रायंगल है, सीपीए, इन ट्रायंगल सीपीए एंड ट्रायंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है सीक्यूबी, सीक्यूबी। ओके, यहाँ पे आप लोग को कुछ दिख रहे क्या, ये दोनों, यस दोनों 90 डिग्री है, मीन्स एंगल सीपीए, सीपीए में कौन सा रहेगा सीपीए, मीन्स ए पी सी आएगा, एंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी क्यू सी, बी क्यू सी। ओके, यहां पे रीजन लिखना पड़ेगा हम लोग को क्या, इच 90 डिग्री, मीन दोनों की वैल्यू कितना है 90 डिग्री। नेक्स्ट आप लोगों को कुछ दिख रहा है क्या, यस ये वाला पार्ट सी दोनों में कॉमन है, मीन्स क्या आएगा एंगल पी पी सी ए, पी सी ए, पी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी क्यू, यस बी सी क्यू, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, क्यों, क्योंकि दोनों कॉमन एंगल है, मीन्स दोनों ट्रायंगल में ये एंगल है। ओके, कॉमन एंगल। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए बाय विच टेस्ट, ट्रायंगल सी पी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू बी, यस बाय विच टेस्ट, डबल ए टेस्ट, दोनों एंगल यहां कॉन्ग्रुएंट हुए है ना, तो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए, तो यहां पे ये डबल ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ओके, नेक्स्ट आप लोग को क्या बोला गया है देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एपी की वैल्यू 7 दी हुई है एंड नेक्स्ट बी क्यू की वैल्यू 8 दी हुई है एंड बीसी की वैल्यू 12 दी हुई है, तो हम लोग को एसी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लोग को एसी चाहिए,
एपी, तो हम लोग पहला एपी लेते हैं, तो एपी अपॉन एपी, इसके कोरेस्पोंडेंस में क्यूबी, यस क्यूबी बी क्यू चलेगा इक्वल टू। नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए, बीसी, तो बीसी के लिए एसी है, एसी अपॉन बीसी। ओके, ये कैसा रहता है, जब हमारा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल रहता है तो वो प्रोपोर्शनल रहता है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ओके करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहां पे आपको कुछ वैल्यू दी हुई है, एपी की वैल्यू कितने दी हुई है, यस एपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखते हैं हम लोग, एपी का वैल्यू 7 दिया हुआ है अपॉन बी क्यू, बी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 इक्वल टू, एसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एसी हम लोग एज इट इज रखेंगे अपॉन बीसी का वैल्यू, बीसी का वैल्यू 12 दिया हुआ है। ओके, तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 12 इंटू 7 एंड 8 इंटू एसी मीन्स ये क्या हो जाएगा, 8 एसी इक्वल टू 12 7 का 84। ओके, अभी ये 8 और एसी क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 8 अगर वो साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा मीन्स एसी इक्वल टू 84 अपॉन 8। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे 84 को, तो 8 वन जा 8, ये 8 वन जा 8। ओके, यहां 1 आया, फिर ये 4 है, 4 नहीं डिवाइड हो रहा है, यहां पे एक 0 लगाएंगे। ओके, तो यहां एक 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 40 मींस पॉइंट लेके फिर 8 5 जा 40 मींस ये कितना हो जाएगा हमारा एसी का वैल्यू, यस 10.5, यही फाइंड आउट करना था हम लोग को, एसी का वैल्यू फाइंड आउट करना था, आ गया। ओके, तो स्टूडेंट आप लोग को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। अभी हम लोग ये पार्ट वन, ये था आपका पार्ट वन वीडियो प्रैक्टिस सेट 1.3 से। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे आप लोगों के लिए वो पार्ट टू आएंगे, पार्ट टू में आपको अभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 4 तक ही किए, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये पांचों क्वेश्चन आपको पार्ट टू में आएंगे। ओके, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो चैनल पे, और जितना हो सके उतना आप ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताइए कि संतोष सर कैसा पढ़ाते हैं, उनको समझ में आना चाहिए, और आप लोग को नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको अपडेट आते रहते हैं, डेली हमारे चैनल पे नए नए वीडियो अपलोड होते हैं, ये आपको सीखने में हेल्प करेंगे, अच्छा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। और आप लोग को भी मालूम है मैथमेटिक्स ऐसा चीज है कि अगर मैथमेटिक्स में आप अच्छा मार्क्स स्कोर करते हो तो परसेंटेज ऑटोमेटिक राइज होता है। सो मैथमेटिक्स सीखने के लिए संतोष सर के साथ जुड़े रहिए, ऑल द बेस्ट।